दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्पॉट नामांकन या स्लाइड अप एडमिशन अब फिर से मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पे अभी भी फर्स्ट सेमेस्टर 2024 से 28 में नामांकन के लिए काफ़ी सीट खाली है, लेकिन स्पॉट या स्लाइड अप का सिस्टम अभी तक फिर से शुरू नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था, तो अब उनका नामांकन कैसे होगा? श्योर, आप बिल्कुल रूप से चिंतित नहीं रहिए, आपका नामांकन बिल्कुल रूप से हो जाएगा, लेकिन कैसे और कब से? तो फिलहाल जो है अभी सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरा रहा है, पीजी का कार्यभार चल रहा है और फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, यूनिवर्सिटी के द्वारा आज से कल तक में नोटिफिकेशन दिया जाएगा स्पॉट एडमिशन अर्थात स्लाइड अप के लिए। और स्लाइड अप के लिए जब भी मौका दिया जाएगा तो आप लोग जल्दी से कर लीजिएगा। हम बार बार कहते हैं, जो भी मौका दिया जाता है शुरुआत में ही आप कीजिए, बाद में करते हैं जिसकी वजह से आपके साथ दिक्कत होता है, आप परेशानी में पड़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्लाइड अप होगा इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है, या स्पॉट एडमिशन होगा तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना होगा, और कैसे आपको स्लाइड अप और कैसे स्पॉट एडमिशन लेना होगा, कौन कॉलेज में आपको जाकर के एडमिशन लेना होगा, कहाँ पे सीट खाली है, इसकी जानकारी के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। हम आपको लिस्ट बताएंगे कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली अपने मोबाइल को ओपन करना है, गूगल को ओपन करना है, और यहाँ पर हम आपको क्या करें, यहाँ पर देखिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है आपको, यहाँ पर क्या है सिलेक्शन लेटर, ये तो आपको उस समय डाउनलोड करना होगा। इससे पहले आपको CLC रखना है, इसके बाद 12th का एडमिट कार्ड का जीरोक्स रखना है, 12th का मार्कशीट रखना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखना है, 2 कास्ट सर्टिफिकेट रखना है जहाँ पर ज़रूरी हो सकता है, आधार कार्ड और ABC ID, ये तो कंपलसरी मतलब बहुत ज़रूरी है, ये तो आप बना के ही रखिए। इसके अलावा लिस्ट देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है, यहाँ सर्च करना है MNC classes या madhavnc.com, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा वेबसाइट का, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यूनिवर्सिटी अपडेट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है, इसमें आपको नीचे आ जाना है। जब नीचे आ गए तो यहाँ पर आपको स्पॉट एडमिशन से संबंधित जानकारी आएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसमें आपको सबसे नीचे आ जाना है, नीचे आ गए तो आपको खाली सीट कहाँ कहाँ है, कितना सीट खाली है, इसकी जानकारी के लिए नीचे आइएगा। तो यहाँ पर वैकेंट सीट का ऑप्शन है, आप जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा आपके मोबाइल में सारा के सारा जो है डाउनलोड होकर आ जाएगा सीट। अब आप चेक करके देख सकते हैं कहाँ पर कितना सीट खाली है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग आराम से देख लीजिएगा। इस तरह से आप जो है पूरी तरह से चेक कर सकते हैं कहाँ पर कितना सीट खाली है, नहीं है देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर किस विषय से कितना सीट खाली है, तो सभी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग चेक करके और फिर स्लाइड अप और स्पॉट होगा तो वही ऑप्शन दीजिएगा जहाँ पर सीट खाली होगा। हालांकि आप अपने आसपास ऐसे भी पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ सीट खाली है, कहाँ पर सीट खाली नहीं है। इस तरह से आपका नामांकन की प्रक्रिया जो है आज से कल तक में शुरू होने वाला है। वैसे यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया कि ये 3 सब्जेक्ट में सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऐसा बात नहीं है, बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ पर अभी भी इन 3 विषय में सीट काफ़ी खाली है, तो आप इन तीनों विषय से भी नामांकन ले सकते हैं। कहीं भी एडमिशन होता है तो आपको नामांकन ले लेना है, आशा में नहीं रहना है, थोड़ा पैसा ले दे करके भी होता है तो आपको नामांकन करा लेना है। बाकी कोई जानकारी अगर और आपको लेना है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे। किसी का भी एक साल बर्बाद नहीं होगा, कोई भी चिंता में नहीं रहिए, एडमिशन सबका हो जाएगा। बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी अपडेट आती है अपडेट को पूरी तरह से समझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।